सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार, सबका स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म पर। दोस्तों, वीडियोज के माध्यम से अच्छी और उम्दा नस्ल का मुर्रा पशुधन दिखाने का प्रयास और आज उसी प्रयास को बढ़ाते हुए जो आज की हमारी कवरेज है जी, मैं बताना चाहूँगा काफ़ी जानी मानी जगह है जिया डेयरी फार्म से। आज हम आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार पशुधन की वीडियो लेके आ रहे हैं जी। डॉक्टर मोनू से हम एक एक पशुधन की डिटेल्स लें, लेकिन उससे पहले जो भी पशुपालक आपके अपने चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो ज़्यादा ना टाइम लेते हुए डॉक्टर मोनू से मिलाते हैं और एक एक पशुधन की डिटेल्स लेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते भाई साहिल, सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं हमारे फार्मर्स भाई। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भाइयों को नमस्कार। नमस्कार जी, तो आज की वीडियो में कितना पशुधन दिखाएंगे और कैसा कैसा रहेगा? आज की वीडियो में भाइयों की बहुत चॉइस थी। हाँ जी, मैं तो पेन तो घनी कटिया है। अच्छा ठीक है, एक भैंस बाकड़ी, एक बाकड़ी भैंस है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम जो पहले नंबर पे जो कटड़ी आप हमारे से दिखा रहे हैं इसकी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे साहिल इसकी एज 20 महीने की होगी। 20 महीने की हो चुकी है। ठीक है, 20 महीने की हो चुकी है। अनुबोलन को भी कुछ भी बोल दो। हाँ जी ठीक है, फील्ड का काम है, अच्छे ही पशु लेते हैं, आप भी खूब आते हो। हाँ जी हाँ जी, कटिया लेते हैं तो अच्छी लेते हैं, नहीं तो भाई साहब टाल कर देते हैं। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, ये जमींदार से ले रखी है। हाँ जी, बिल्कुल शौकीन आदमी जमींदार से। ठीक है, अर्जुन कुंगड़ की कन्फर्म है, सोरली है। अच्छा, इस बात की गारंटी रहेगी। ठीक है ठीक है। हाँ जी, आज पहली हिट में अपने घर आ रही है। हाँ, दिखा रही है पहली बार। अच्छा अच्छा ठीक है, और मुंह से खीरी है, मुंह से अदंत है, और इसकी माँ का दूध है 19.7 किलो कुछ का ऐसा रिकॉर्ड है। अच्छा, 19.5 किलो कुछ ग्राम का, जो की 19.500 कुछ ग्राम का रिकॉर्ड है दो से टाइम में। ठीक है जी, तो अब की बार आपको लोगों को जो कि भाई साहब अपने डेयरी फार्म से काफ़ी शानदार मुर्रा हिफर की वीडियो लेके आ रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा काफ़ी ज़्यादा हमारे पास फ़ोन आते हैं कि भाई साहब कटड़ियों की कवरेज करें, तो आज भाई के ही डेयरी फार्म से मौका मिला एक काफ़ी शानदार मुर्रा हिफर की वीडियो लेके आ रहे हैं जी। आप लोगों को क्वालिटी हिफर को ज़रूर दिखाना चाहेंगे फेस से लेकर के, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं सबसे पहले जो पशुधन होता है वो फेस से देखा जाता है कि फेस का कैसा है। तो बिल्कुल छोटे फेस की जोटी हैं जो हिफर, वो जैसे कि देख पा रहे हैं, और मात्र 20 महीने की एज में जो सींगों को जो राउंड करती आ रही, बिल्कुल छोटा सींग है वो बना के लेके आएगी। तो दांतों में एक बार दिखा सकते हो भाई साहब, एक बार दांतों में भी आप लोगों को जरूर दिखाना चाहेंगे अदंत है या फिर कैसे है। अभी दिखा दिया जाएगा आपको दांतों में कैसे है जी, और ये देख सकते हैं जी, ये देख सकते हैं। ठीक है भाई साहब, ओरिजिनल भाई। हाँ ठीक है ठीक है, भी नहीं किया, ये देख सकते हैं। ठीक है, दांतों में अदंत जी 20 महीने की है, और जैसे कि भाई साहब ने बताया कि पहली हिट में आज फिलहाल प्रेजेंट में आई हुई है। चला के दिखा दीजिए एक बार इसका व्यक्तित्व, तो भी हम पशुपालक भाइयों से जरूर कवर करके दिखाना चाहेंगे। अर्जुन कुंगड़ जो ऑल इंडिया चैंपियन जो बुल है उसकी ये हिफर खुद है जी, श्योरिटी बता रहे हैं, कोई भी भाई अपना जो कि मन को संतुष्ट वो कर सकता है जी। और ये देख सकते हैं दो कटिया दी है, दे वीडियो के लखनऊ। अच्छा ठीक है, कटिया खूब जा रही है, तो दिखाने का पर्पज था, सब कह देते हैं कटिया। हाँ हाँ हाँ, इसकी पीठ दिखा दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और इसका शरीर दिखा दो। ठीक है, तो एक बार लंबा चल लेके चले भाई साहब, ये देख सकते हैं जी कटड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन इस साइज की कटड़ियाँ इस एज में आपको कटड़ियाँ वो काफ़ी कम देखने को मिलेंगी। ये देख सकते हैं जी, काफ़ी बेहतरीन है। ले आए भाई साहब, ले आए मोड़ के, लिए आए ले आए, ले आए इधर ही ले आए, ले आए ये देख सकते हैं जी। बात करें हम डॉक्टर मोनू शुरुआत से ही जो कि काफ़ी अच्छा से अच्छा पशुधन के शौकीन हैं और अच्छा ही पशुधन सिलेक्ट करके लेके आते हैं, नीचे से आप लोगों को कवर करके दिखाना चाहेंगे जी। नीचे से ये लगा लो, हाँ जी बांध के दिखा, हाँ बांध के दिखाएंगे एक बार नीचे से भी, जो हीफर है वो काफ़ी अच्छी है। दिखा दो। हाँ जी भाई, ये सोचे। हाँ जी, खुलतार डाली, ये देख सकते हैं अभी फिलहाल इट पे भी है, तो अभी से क्या भी नहीं हुए, नहीं पहले करवाओगे आप? नहीं अभी से नहीं कराएंगे। ठीक है, सिस्टम दिखाओ, नीचे से आप लोगों को जूम करके दिखाना चाहिए। ये देख सकते हैं, मैं भी कह देता 2 महीने की नहीं है। हाँ हाँ हाँ, डेढ़ की है, बिल्कुल झूठ बोलनी है। ये देख सकते हैं जी, बहुत ऐसे नीचे से ऐसे ऐसे थनों की काफी कम देखने को मिलेगी आप लोगों को। ये देख सकते हैं जी, काफी बेहतर, फर्स्ट टाइम में बेहतरीन जब होता है इतना थन। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है, तो बिक्री के लिए उपलब्ध भाई? हाँ, साइल बिक्री के लिए उपलब्ध। तो क्या कुछ रेट रखा है? साइल रेट इसके मौके के करेंगे, इसका रेट मौके पे करना चाहेंगे। ठीक है भैया, एक बात और कहूंगा, मैं बार बार कहता हूँ, ये भाई नहीं कहीं कहा से बोल रहे हो। हाँ जी, करा दो देखड़ा करा दो। हाँ, मेरी कोई पहुँच नहीं रहेगी, चाहे 1 रुपए की हो। हाँ जी, एक सब भैया ये बात है,
दस बजे पीछे कॉल ना करे, रात के एक बजे फोन करते भाई। अच्छा अच्छा, ये दस बजे पीछे कॉल ना करे। चलो कोई नहीं भाई साहब। किफर भाई के पास फिलहाल ये बिक्री के लिए उपलब्ध क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। टैल में कुछ ही बाल कुछ ही इंच के समथिंग टैल वाइट है, बाकी की पूरी ब्लैक है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जी, अगर कोई लेने वाला बंदा होगा क्वालिटी को देखते हुए भाई के पास ज़रूर फ़ोन करेगा, क्योंकि आज के तारीख में जो हीफर है वो काफ़ी लाजवाब है। तो एक और भाई साहब, जो आप हमारे से जो बाखड़ी भैंस बता रहे थे इसके डिटेल्स बताएं। नॉर्मल है जी। अच्छा, कल शाम को आई है। कल शाम को आई है। क्यों, बहुत लोग फोन आते हैं हमें छोटी रेंज की दो, छोटी रेंज की दो। हाँ जी हाँ जी। तो ये तीन महीने की चेक पास है। तीन महीने की चेक पास है। हाँ जी ठीक है। और इसमें धनिया ने दूध बताया था 6 किलो। अच्छा, आपने नहीं दे रही, आपने टिक्के से दे रही है। अच्छा, सुबह दे दिया। हाँ जी, कल शाम को टिक्के से दिया था, शाम को देखो क्या करेगी। ठीक है, 5 किलो दूध है इसमें पक्का। तो कितने महीने की ब्याई हुई है? 9-10 महीने की, कटड़ा बंद रहा है। अच्छा, 9-10 महीने की ब्याई हुई है। हाँ जी। तो पीक पर क्या कुछ दूध देती थी? 13.5 किलो दूध दिया। 13.5 के लमसम में दूध दिया हुआ है। पीठ पुट्ठी की काफी अच्छी, खोल के चला के दिखा दीजिए। और 3.5 महीने की चेक पास है जहाँ से परचेज की है। 6 किलो दूध भाई साहब देख के लेके आए थे, लेकिन अभी नई नई आई है। तो जैसे कि भाई साहब ने बताया कि टिक्के से जो कि अभी दूध है हमने इसका निकाला है। बाकायदा जब एक जगह जब समथिंग टिकेगी तो पूरे दूध पे भी जाएगी, अच्छे दूध पे भी। बाकी रेख देख के ऊपर होता है जी, ये देख सकते हैं हाइट जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पे देखने को मिली। ये देख सकते हैं जी, नीचे की काफ़ी अच्छी है। अभी फ़िलहाल हम जो कि कवरेज भी दोपहर में 2 बजे के लमसम में कवरेज कर रहे हैं जी, और क्वालिटी काफ़ी अच्छी, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। साथ में ये मेल काफ आप यहाँ पे जैसे कि भी देख पा रहे हैं 9-10 महीने की ब्याई हुई है। और जोटी में जो क्वालिटी है जी वो काफ़ी अच्छी है। मैं बताना चाहूँगा काफ़ी ज़्यादा पशुपालक भाई हैं, भाई की वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जाय से जाय कीमत में आपको यहाँ पे पशुधन है वो देखने को मिलता है। तो इसका तो रेट बताते होंगे भाई साहब? सिर्फ 50,000 रुपये में आप लोगों को 3 महीने की चेक पास दूध वाली भैंस वो मिल रही है जी। अगर जैसे जैसे आगे आगे लग रही है 50,000 रुपये में 3 महीने पे 6-10 करना बिक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, जैसे जैसे जो कि आगे गैबिन पे जाएगी तो और भी काफ़ी अच्छी अच्छी जो कि पेमेंट को उठाती लेती आएगी। और जो पशुपालक भाई हैं जो एक बड़ी जो ताज़ा ब्याई हुई भैंस की कीमत कहीं ना कहीं नहीं जुटा पाता तो सबसे ज़्यादा तोकड़ गैबिन भैंसों को ही सिलेक्ट करता है जी। तो ये भी भाई के पास फिलहाल बिक्री के लिए उपलब्ध है, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे है जी। आज की वीडियो में जो भाई ने हमारे से जो हीफर दिखाई है काफ़ी कम ज़्यादातर जो कि कवरेज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे साइज़ की और इस उम्र में जो क्वालिटी है जो हीफर में वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो भाई के पास फिलहाल बिक्री के लिए उपलब्ध है जी। रेगुलर रूटीन से स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट भी नंबर, आप इन पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं जी। फिर मिलेंगे किसी किसान के घर या फिर किसी भाई के पास। तब तक सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।